दोस्तों, ETF टेक में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं आप लोग MIA3 का TWRP को डाउनलोड कैसे करें और इसको इंस्टॉल कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। लैपटॉप का स्क्रीन पर आप लोग वीडियो को देखते रहिए। मैं दोस्तों TWRP का लिंक वीडियो का नीचे दे दूंगा। आप लोग जब वहां पे जाके क्लिक करेंगे तो इस तरह के इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, एंड्रॉइड 9 का TWRP यहाँ है और एंड्रॉइड 10 का TWRP यहाँ है। यहाँ पे देखिए ऑफिशियली TWRP का जो लिंक है वो नीचे है। आपको अगर एंड्रॉइड 9 का TWRP को डाउनलोड करना है तो आप लोग इस पे क्लिक कर दीजिए ऊपर का, और 10 का चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने का बाद यहाँ पे देखिए सीधा डाउनलोड का ऑप्शन पे आ जाएगा, डायरेक्ट आपका डाउनलोड होगा। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से MIA3 का TWRP को डाउनलोड कर सकते हैं। MIA3 का TWRP डाउनलोड करने के बाद आप लोग मैन्युअली ATP ड्राइवर जो है उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोग इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं ये MIA3 का जो आई है, एंड्रॉइड 9 है, उसका TW में यहाँ पे रखा है। अभी दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे कमांड डालना है। कमांड डालने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल पे जाना है। आपका मोबाइल अगर ऑन है उसको पहले आप लोग ऑफ कर दीजिए। ऑफ हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, आपका मोबाइल को फ्लाइट मोड में लाना है। इसके लिए आपको वॉल्यूम डाउन और पावर दोनों के को एक साथ दबा के रखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोबाइल फ्लाइट मोड में आ गया है। अभी दोस्तों यहाँ पे कमांड डालना है। फर्स्ट बोट डिवाइसेस, उसका बाद दोस्तों एंटर करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा जो फर्स्ट बोट डिवाइस है वो ले लिया है। अभी यहाँ पर कमांड डालना है, फर्स्ट बोट लैश बोट स्पेस। देने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पे TWRP को रखा है। अभी दोस्तों क्या करना है, इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ देना है। उसका बाद दोस्तों एंटर करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये TWRP जो है वो सेंड हो गया है। अभी दोस्तों क्या करना है, आपको अपना मोबाइल पे चले जाना है। मोबाइल का पावर बटन और वॉल्यूम आपके दोनों को एक साथ प्रेस कर रखिए। पावर बटन छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, TWRP जो है वो इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों आप लोग किसी तरह से MIA3 में TWRP को डाउनलोड करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं।